आप लोग अपने चैनल में कीवर्ड्स नहीं डालोगे, अपने चैनल की सही सेटिंग नहीं करोगे, तो आप लोगों का चैनल कभी सर्चिंग में नहीं जाने वाला है। जब भी हमारा चैनल सर्चिंग में नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है कि वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी ये जो मैडम है, इनका स्क्रीनशॉट लगा हुआ देख लीजिए, ये जो मैडम है इनका चैनल सर्चिंग में नहीं जा रहा है। मैं भी किसी तरह से इनके चैनल पे पहुंची हूँ तो इनका चैनल सर्चिंग में नहीं जा रहा है, फिर भी इनकी वीडियो में व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। वीडियो में व्यूज तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। वीडियो में व्यूज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि मेरा मान लीजिए 37,000 है। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आप लोग भी ऐसी गलती कर रहे हो तो आप लोग भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये मैडम जी का चैनल लेके आई और इनकी जो कमियां थी इनकी कमियां मैं आप लोगों को बताने के लिए आई, ताकि आप लोग जो गलतियाँ कर रहे हो, जो आप लोगों का कमियाँ हैं, आप लोग कभी ऐसी गलतियाँ ना करो कि आप लोगों के भी चैनल सर्च में ना आए और आप लोगों का भी सब्सक्राइबर ना बढ़ सके। तो राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं, मस्त रखते हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो पहली बात तो है दोस्तों, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हो, सक्सेस यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो जब आप लोग अपना चैनल बनाते हो तो सबसे पहला काम है कि अपने चैनल में अपने कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड्स आप लोगों को डालना चाहिए। अब कीवर्ड्स डालने से क्या होता है, जब हम अपने चैनल में कीवर्ड्स डालते हैं अपने कैटेगरी से रिलेटेड, तो कीवर्ड्स के कारण हमारा चैनल सर्चिंग में जाता है। कोई सर्च करता है तो सर्चिंग में जाता है, या फिर जिस कैटेगरी का हमारा चैनल होता है उस कैटेगरी से रिलेटेड हम कीवर्ड्स डालते हैं तो हमारी जो भी वीडियो होती है वो सर्चिंग, भले ही यानी कि वीडियो डालते ही उसमें व्यूज नहीं आने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी वीडियो सर्च लिस्ट में जाती है। और अगर हम अपने वीडियो अपने चैनल में कीवर्ड्स नहीं डालते हैं तो फिर हमारा चैनल कितना भी अच्छा हो, हमारे वीडियो कितने भी अच्छे हो, लेकिन हमारा चैनल कभी भी सर्च लिस्ट में नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैडम जी है इनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो यही कि ये मैडम जी का चैनल सर्च में नहीं आता है। और इनका चैनल सर्च में क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये मैडम जी अपने चैनल में सही सेटिंग नहीं की है और अपने चैनल में इन्होंने कीवर्ड्स नहीं डाले हैं। तो अगर चैनल को सर्चिंग में लाना है तो कीवर्ड्स डालना बहुत ज़रूरी है। मैं भी पहले अपने वीडियो अपने चैनल में कीवर्ड्स नहीं डाली थी तो मेरा चैनल सर्च में नहीं जाता था, कोई भी सर्च करता तो नहीं जाता था। लेकिन अब से मैंने 4-5 महीने हो गए हैं मैंने अपने चैनल में कीवर्ड्स डाल रखा है, तो ये मैंने अपना खुद का फीलिंग बता रही हूँ। जब से मैं अपने चैनल में कीवर्ड्स डाली हूँ अपने कैटेगरी से रिलेटेड, कोई भी मेरा चैनल सर्च करे तुरंत सर्च लिस्ट में आता है। और सर्च लिस्ट में जब हमारा चैनल आएगा तभी हमारे वीडियो में व्यूज आएंगे, हमारा चैनल ग्रो होगा और हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब हमारा चैनल सर्च लिस्ट में नहीं जाएगा तो ना ही हमारे वीडियो में सही से व्यूज आएंगे और ना ही हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। तो ये मैडम जी का चैनल सर्च में तो नहीं जाता, लेकिन ये मैडम जी के वीडियो में व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन वीडियो में इतना व्यूज अच्छे आने के बाद भी मैडम के सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर बेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेन कमी वही है जो मैंने बताया कि चैनल सर्च लिस्ट में नहीं जाता है। और जब तक चैनल हमारा सर्च लिस्ट में नहीं जाएगा तब तक सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ने वाले हैं। इसलिए अगर आप लोग एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपना वीडियो अपना सॉरी चैनल बनाएं तो चैनल में हमें चैनल की सेटिंग बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। चैनल की सेटिंग के साथ साथ हमको अपने चैनल में अपने कंटेंट से रिलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड्स डालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने चैनल में कीवर्ड्स नहीं डालेंगे
तब तक हम चाहे जितना अच्छी वीडियो बनाए, चाहे जितना प्रयास कर लें, चाहे जितना मेहनत कर ले, लेकिन हमारा चैनल कभी सर्च लिस्ट में नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी, अगर आप आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आज मेरी तबीयत बहुत ही डाउन है, वीडियो बनाने का एक भी मन नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरह वीडियो बनाई, क्योंकि हम एग्जाम में तभी पास होंगे जब हम डेली क्लास में प्रेजेंट होंगे। अगर हम डेली किसी न किसी बात का बहाना बनाएंगे, कभी तबीयत खराब, कभी सर दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ, अगर हम ये बहाना बनाएंगे तो कभी भी हम पास होने वाले नहीं हैं, हमारा रिजल्ट फेल का ही आएगा। और इंसान का लाइफ स्ट्रगल लाइफ है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अपने जिस काम के लिए निकले हो, जिस लक्ष्य के लिए निकले हो, उसमें अडिग होकर के काम करना चाहिए। तब तो फिर भाई ये तो YouTube है, अगर YouTube में सक्सेस होना चाहते हो और चैनल ग्रो करना चाहते हो, वीडियो में व्यूज लाना चाहते हो, तो चाहे बुखार हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जो कुछ भी हो, आपको कंटिन्यू YouTube में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, कंटिन्यू वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों वही मेरे साथ हुआ। देखो मैंने, मेरी इतनी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी मैंने छुट्टी नहीं मारी, वीडियो बनाई आप लोगों की सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों अपनी वीडियो मैं यहीं से एंड करूँगी, फिर मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, अगर तबीयत अच्छी हुई तो। अगर ऐसी ही तबीयत रहेगी तो मिलूँगी, अगर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तबीयत तब तो फिर क्या कर सकती हूँ ना दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय।